व्यापारियों से अतीक का कनेक्शन, लगातार अतीक कनेक्शन खंगालने में पुलिस सोसाइटी लगी हुई है। बड़े व्यापारियों के साथ भी अतीक की पार्टनरशिप, गुजरात मुंबई तक कनेक्शन है। अतीक ने बड़ी कंपनियों में ब्लैक मनी निवेश की थी। उमर अली असद को कंपनियों में निदेशक बनाना चाहता था। साबरमती जेल के आसपास अतीक के गुर्गे रहते थे, यानी कि गुजरात मुंबई कनेक्शन भी अतीक का सामने आया। अतीक के गुर्गों का खर्चा उठाते थे बड़े व्यापारी। राजस्थान में भी अतीक ने काली कमाई निवेश की थी, यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के आसपास नहीं, गुजरात मुंबई कनेक्शन भी अब अतीक का सामने आ रहा है। और देखिए धीरेन्द्र, अब जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, नई नई कड़ियां सामने आ रही है। अतीक का गुजरात और मुंबई कनेक्शन भी आया है। बड़े बड़े व्यापारियों और बड़ी बड़ी कंपनियों में आए अतीक ने निवेश किया था और अपने बेटों को उसमें ये पदाधिकारी भी बनाना चाहता था उस कंपनियों में। देखिए जिस तरीके से देवरिया जेल के बाद से ही साबरमती जेल में इसको ले जाया गया था, तो ये अपने कुंबे को आर्थिक रूप में काफी अपना व्यवसाय था वो पूरी तरीके से संचालित कर रहा था। ये उद्योगपतियों के हम सामने आए, जिस तरीके से जब ईडी ने अपने जांच शुरू किया था तो कई बड़े उद्योगपतियों के भी नाम सामने आए हैं, कई ऐसे बिल्डरों के भी नाम सामने आए हैं जो कि अतीक अहमद की काली कमाई को अपने व्यवसाय में लगाते थे, उसके बदले इनको बड़ी भारी रकम देते थे, जिसे पूरी तरीके से अपने बैंक को संचालित करता था। अब कई ऐसे कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं जो कंपनियां साइस्ता परवीन के नाम है, इनके बेटों उस कंपनी में सम्मिलित हैं। और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ेगा और कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से ऐसे व्यवसायी हैं जो अतीक की काली कमाई को अपने धंधे में खपाते थे। अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी इसकी बड़ी प्रॉपर्टी सामने आई है, जिस तरीके गुजरात और अपने आसपास और ऐसे प्रदेशों में लगातार ये अपने धंधे को बढ़ा रहा था, अपने बेटे को ये व्यवसाय में लाने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से पूरा इसका कुनबा आर्थिक रूप में मजबूत हो। अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज के आसपास कई ऐसे बिल्डर्स हैं, कई व्यवसायी हैं जो इसकी काली कमाई को खपाते थे अपने व्यवसाय में। यही कहा जा सकता है कि अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए खुलासे जरूर हो रहे हैं, कई ऐसे नाम अभी भी सामने आने बाकी हैं कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ दोनों जेल में रहते हुए भी अपने जो गैंग है पूरी तरीके से उसको सक्रिय कर रहा था, इस गैंग को कौन आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा था, किस तरीके से शहर पश्चिमी इलाके में इसका जो अवैध कारोबार, जब यह उत्तर प्रदेश की जेल में था तो इसे से जो है साबरमती गुजरात भेजा गया ताकि उत्तर प्रदेश से दूर रहे और किसी प्रकार की गतिविधि को यहाँ पर अंजाम ना दे सके। लेकिन गुजरात में भी साबरमती जेल के आसपास इसके गुर्गे थे और गुजरात के जो बड़े व्यापारी हैं इसके गुर्गों को जो है वो फाइनेंस करते थे, उन्हें संरक्षण देते थे, उन्हें मजबूत करते थे फाइनेंशियली। उत्तर प्रदेश में नहीं रहने के बावजूद भी इसने अपना गैंग स्ट्रॉन्ग किया, इसका राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। धीरे देखिए अगर हम बात करें तो इसका गैंग बहुत बड़ा गैंग है और ये पूरा गैंग काम करता था, उसका जो लीडर था अतीक अहमद था और उसका जो दूसरे नंबर को लीड करने वाला शख्स था वो है था अशरफ। तो ये पूरे प्रदेश में प्रयागराज के आसपास जनपदों में नहीं, प्रदेश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इनका अवैध कारोबार था, जो अवैध कारोबार। बिल्कुल धीरेन्द्र, आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, हम आपके पास वापस आएंगे।